हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अली सानी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जी लग्जूरियस टाउनशिप जी। बिल्कुल, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ये कहाँ पड़ता है तो बता दो, सेक्टर 66 मोहाली में ये टाउनशिप पड़ती है, जिसका नाम है जी अंबिका लय प्रेशियन। इसका नाम अजीब इसलिए है क्योंकि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो पेरिस बेस से बनाया गया है। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं जो इसकी USP भी रहने वाली है। तो बता देती हूँ कि हाईवे से सिर्फ 100 मीटर के अंदर अंदर ये जो है टाउनशिप आ जाएगी, हाईवे से सिर्फ 100 मीटर दूरी पे है। इसके अलावा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, यानी कि 10 मिनट की ड्राइव के अंदर अंदर आप एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। एंड स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ आसपास आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे। सो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अगर कमर्शियल हब्स की बात की जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, वो भी यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। सो IIT सिटी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। इतनी सारी लोकेशन मिल जाए आसपास तो मुझे लगता है बाकमाल हो जाता है, बिकॉज हर चीज़ हमें आसपास चाहिए होती है। अब मैं आपको इस टाउनशिप का टूर कराऊँगी, लेट्स गो। अगर मैं इस टाउनशिप की बात करूं तो बता दूं 7 एकड़ की ये टाउनशिप रहने वाली है, जिसमें 9 टावर और 576 अपार्टमेंट होंगे। एंड इस टाउनशिप में 12,000 स्क्वायर फीट का आपको क्लब हाउस मिलने वाला है, जिसमें आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि आपको इंडोर गेम्स यानी कि टेनिस लॉन मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, बैंकेट हॉल मिल जाएगा, जकूजी मिल जाएगा। सो इस सब कुछ आपको क्लब हाउस के अंदर मिल जाएगा। ट्रिप में आपको सेंट्रलाइज पार्क मिलने वाला है, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स भी रहेंगे। इसके अलावा किड्स प्ले जोन एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे आपके बच्चे खेल सकते हैं। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। एंड आपको क्रिकेट पैच यहाँ पे मिल जाएगा, क्रिकेट कोर्ट मिल जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाएगा। एंड आपको यहाँ पे स्केटिंग रिंक के साथ साथ जॉगिंग ट्रैक भी मिलने वाला है। सो ह्यूज टाउनशिप में ह्यूज पार्क विद किड्स प्ले जोन एरिया, इससे अच्छी चीज़ अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती जो आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली है। सो अब मैं खड़ी हूँ जी एंट्रेंस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अंबिका लय प्रेशियन के जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है, यानी कि जो ये टाउनशिप रहने वाली है वो हाईवे के ऊपर रहने वाली है। आप देख सकते हो इस साइड मेरे हाईवे ही चल रहा है। सो यहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे आ जाएगा जी एयरपोर्ट रोड। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ, दिस इज़ अ गेटेड सोसाइटी विद 3-tier सिक्योरिटी। एंड अगर मैं 3-tier की बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे CCTV कैमरा, बूम बैरिगेट एंड 24/7 सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। एंट्री और एग्जिट के लिए यहाँ पे 2 गेट हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टाउनशिप रहने वाली है, सिर्फ 100 मीटर दूरी यहाँ से हाईवे होने वाला है। सो मैं एंट्रेंस पे ही खड़ी हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे हाईवे आ जाएगा और टाउनशिप के बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर मार्केट में, क्योंकि साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाएगी डेली नीड्स की शॉप, जहाँ पे आपको दूध दही सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। दिस इज़ अ कमर्शियल एरिया दिस साइड। एंड अब मैं आपको थोड़ा और अंदर लेकर चलती हूँ। इस टाउनशिप में आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि 3 BHK, 3+1 BHK, 4+1 BHK, जिनके साइजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। अगर आपके पास 2 गाड़ी हैं, 3 गाड़ी हैं, तो आपको पार्किंग की इशू बहुत ज़्यादा रहती है, किसी भी टाउनशिप में चल जाओ तो। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे सरफेस पार्किंग तो आपको मिल ही रही है, साथ साथ आपको बेसमेंट पार्किंग भी दी जा रही है। सो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको जो फ्लैट दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 1 फ्लोर पे 4 फ्लैट नज़र आएंगे, साथ ही आपको 2 स्टेयरकेस और 2 लिफ्ट प्रोवाइड की जाएगी। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने एक्चुअल फ्लैट की तरफ। चलिए, अब मैं एंटर हो चुकी हूँ अपने एक्चुअल फ्लैट में। तो मैं बता दूँ, इसका साइज होने वाला है जी 3 BHK का साइज, 1720 स्क्वायर फीट जी बिल्कुल। एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं डाइनिंग और लिविंग एरिया यानी कि इस पूरे एरिया की बात करूँ तो इसका साइज रहने वाला है 11x19 अप्रॉक्सीमेटली, और यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया लगा सकते हैं 6 सीटर 8 सीटर, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे आपकी फैमिली है। एंड दिस इज़ अ लिविंग एरिया, जहाँ पे आप अपना सोफ़ा, काउच या कुछ और भी लगाना चाहते हैं उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मेरी माने तो मैं आपको सजेशन दूंगी, यहाँ पे आप यू शेप या एल शेप का सोफ़ा लगा लीजिए, ये आपके फ्लैट की लुक को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। साथ ही इसके साथ अटैच रहेगी
बालकनी जो कि आपके किचन के साथ भी अटैच रहने वाली, यानी कि इस फ्लोर में वेंटिलेशन और सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप देख रहे हैं फ्लोर टाइल वेट्रीफाइड टाइल्स पूरे फ्लैट में आपको एज इट इज मिलेगी एंड फॉल्स सीलिंग भी आपको मिलेगी एज इट इज। इसके अलावा एसी डक्टिंग और आपको एलईडी प्रोविजन भी दी जाएगी। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ हार्ट ऑफ द हाउस यानी कि किचन की तरफ। सो जी, किचन से जाने से पहले मैं बता दूँ, ये एरिया आपको दिया गया है, इसमें आप किचन का सामान रख सकते हैं, अलमीरा रख सकते हैं, क्रॉकरी बॉक्सेस को बना सकते हैं, यहाँ पे कबर्ड रख सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी अगर साइज़ की बात करूँ, अप्रॉक्सीमेटली ये 5x7 का इसका साइज़ है इस यूटिलिटी एरिया का। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ किचन की तरफ। तो द हार्ट ऑफ द हाउस यानी कि किचन। सो इसके साइज की अगर बात करूँ तो बता दो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 12x7 का इसका साइज होने वाला है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पे एरिया दिख रहा है जहाँ पे आप ड्यूल रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, इट्स अ ह्यूज स्पेस। इसके अलावा आपको मॉड्यूलर किचन मिलने वाला है जिसमें होब और चिमनी की आपको यहाँ पे दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे आरओ भी दिया जाएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना स्पेशियस है किचन, बिकॉज लेडीज को बहुत सारा स्पेस चाहिए होता है। देख रहे हैं अपर एंड लोअर कैबिनेट दोनों आपको प्रोवाइड की जाएंगे, बहुत सारा स्पेस आपको मिलने वाला है एंड दिस इज अ लोअर कैबिनेट। एंड इसके अलावा सारे के सारे जो होने वाले हैं सॉफ्ट क्लोजेट होने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको स्पेशल चीज जो मिलने वाली है, ये डोर क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। आप देख रहे हैं दिस इज अ पेंट्री एरिया, अपना आप सामान रख सकते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, जूसेस हो जाए, जूसेस की बॉटल, सॉस, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। दिस इज ह्यूज स्पेस इज देयर। अगर मैं इसके यहाँ की बात करूँ, यहाँ पे आपको ड्यूल सिंक मिल जाएगा एंड इसके अलावा सेम एज इट इज यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिविंग एरिया के साथ जो बालकनी अटैच है वो हमारी किचन के साथ भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। सो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज अ बालकनी जिसकी साइज है जी ये 6 feet वाइड रहने वाली है एंड ये यूटिलिटी एरिया यानी कि वॉशिंग एरिया इसको आप बना सकते हैं। एंड मैंने आपको बताया किचन और लिविंग एरिया के साथ अटैच होने वाला है। लिविंग एरिया के जो डोर हैं स्लाइडिंग डोर है विच इज UPVC टफेंड ग्लास आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप देख रहे हैं दिस इज ह्यूज बालकनी एंड यहाँ पे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। रेलिंग आपको दी गई है फॉर सेफ्टी पर्पस, अगर आपके घर चिल्ड्रन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ और दिखाती हूँ इस फ्लैट का टूर। सो जी, अब मैं इस फ्लैट का एक्चुअल फ्लैट का और टूर कराने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका कॉन्सेप्ट है 3 washroom और 3 bedroom का। एंड सबसे पहले मैं ये एरिया आपको बताना चाहती हूँ, ये एरिया आपको दिख रहा है, अगर कोई गेस्ट आता है लिविंग एरिया पे बैठता है तो उनको कुछ भी यहाँ से नहीं दिखने वाला आपका रूम जी, बिल्कुल ना ही आपकी किचन दिखने वाली है, ना ही आपके रूम दिखने वाले हैं। सो ये मैटर इसलिए बनाया जाता है सो दैट प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। सो दिस साइड मेरा फर्स्ट रूम, सेकेंड बेडरूम, थर्ड बेडरूम इसी साइड होने वाले हैं। आपका यहाँ पे वॉशरूम होने वाला है जो अटैच रहेगा आपके लिविंग एरिया के साथ, यानी कि कॉमन होने वाला है फर्स्ट बेडरूम और लिविंग एरिया का एक वॉशरूम। सो दिस इज अ वॉशरूम, सबसे पहले मैं आपको वही दिखा देती हूँ। वॉशरूम इसके साइज की अगर मैं बात करूँ तो बता दूँ 5x7 अप्रॉक्सीमेटली इसका साइज होने वाला है। एज इट इज आपको ये वॉशरूम मिलेगा जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन आपको लुकिंग मिरर नहीं मिलेगा। सो आपको बता दूँ क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स आपको मिलेगी एज इट इज। इसके अलावा फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलने वाली है, सभी की सभी जो फिटिंग है वो सैनिटरी ब्रांडिंग की है एंड सैनिटरी फिटिंग आपको मिलेगी। एंड आपको यहाँ पे गीजर की पोजीशन दी जा रही है एंड साथ ही साथ आपको एग्जॉस्ट की प्रोविजन दी जा रही है। नाउ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम, लेट्स गो। फर्स्ट बेडरूम इसका साइज रहने वाला है 10x14 अप्रॉक्सीमेटली एंड आप इसको एज अ गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं बिकॉज एंटर करते ही ये बेडरूम है। सो इसके अगर मैं साइज की ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या मिलने वाला है। आपको एसी डक्टिंग और एलईडी पैनल की प्रोविजन दी जाएगी। फ्लोर टाइल्स तो मैं आपको बता चुकी हूँ एज इट इज आपको मिलेगी पूरे फ्लैट में। इस बेडरूम के साथ अटैच रहने वाली है जी बालकनी जो कि आपके सेकंड बेडरूम के साथ भी रहेगी। सो मैं आपको अब फिलहाल सेकंड बेडरूम में लेकर जाती हूँ एंड विच इज गोइंग टू बी द मास्टर बेडरूम। सो एक स्टेप डाउन के साथ ही आपका आ जाता है दिस इज अ मास्टर बेडरूम जिसका साइज अगर मैं बताऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका साइज होने वाला है 12x14 अप्रॉक्सीमेटली एंड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोर
फ्लोर पे वुडन टाइल्स लगी हुई हैं जो आपको एज इट इज मिलेगी, साथ ही साथ आपको मिल जाएगी हाफ लेंथ कबर्ड विच इज विथ स्लाइड डोर के साथ। आप देख रहे हो कितना स्पेस है, ड्रॉज भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपके कोई भी आपने चीज़ रखनी है यहाँ पे रख सकते हैं, आप अपने मेकअप रख सकते हैं। इसके अलावा देख रहे हो यहाँ पे भी स्पेस की कोई कमी होने नहीं वाली है, यहाँ पे भी एज इट इज सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट के साथ, ड्रॉज के साथ, फ्लोर्स के साथ यहाँ पे जो बनाया गया है कबर्ड को। एंड यहाँ पे भी आपको एसी डक्टिंग की प्रोविज़न दी जाएगी, एलईडी पैनल की प्रोविज़न दी जाएगी, जो मैंने बालकनी की बात की थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ बालकनी जो कि आपके फर्स्ट और सेकंड बेडरूम के साथ अटैच है। सो लेट्स गो एंड वॉच दिस बालकनी। स्लाइडिंग डोर के साथ आपकी बालकनी होने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रेलिंग लगाई है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, एंड दिस इज़ अ 6 feet वाइड बालकनी एंड मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है, गेस्ट रूम के साथ अटैच है, यानी फर्स्ट और सेकंड बेडरूम के साथ अगर ये अटैच है तो आप ऐसे इसको यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इस स्पेस को गार्डनिंग कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, यहाँ पे काउच लगा सकते हैं, सो दैट आप इस खूबसूरत नज़ारे का आप फ़ायदा उठा सकें एंड इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सकें, पीसफुल इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सके। सो दिस इज अ वेरी गुड स्पेस एंड ह्यूज स्पेस होने वाली है, बालकनी इतनी ह्यूज कहीं नहीं मिलती है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। सो मास्टर बेडरूम में आपको मिल रहा है अटैच वॉशरूम। सो दिस इज अटैच वॉशरूम एंड इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको सारी की सारी फिटिंग जो है सैनिटरी फिटिंग के साथ आपको ये वॉशरूम मिलेगा, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही मिलेगा, लेकिन आपको लुकिंग मिरर नहीं मिलने वाला। साइज इसकी बात करूं तो बता दूं 5x7 का इसका अप्रॉक्सीमेटली साइज होने वाला है। वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, विंडो के साथ साथ आपको एग्जॉस्ट की प्रोविजन दी जाएगी, साथ साथ गीजर की भी प्रोविजन दी जाएगी। सो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया वॉशरूम बनाया है, फुल लेंथ वॉल टाइल्स के साथ आपको एंटी स्किड टाइल्स भी मिलेगी। सो आपको यहाँ पे सिंक भी मिलने वाला है, जो एज इट इज दिख रहा है वैसे ही आपको वॉशरूम मिलेगा एंड ये प्रीमियम लुक है जो इस वॉशरूम की आ रही है। सो अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। दिस इज द थर्ड बेडरूम जिसका साइज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 11x13। इसमें भी आपको एसी डक्टिंग और एलईडी पैनल की प्रोविजन दी जाएगी एंड दिस इज ऑल्सो अ कूल स्पेस, बहुत अच्छी स्पेस के साथ आपको ये बेडरूम मिल रहा है। दिस इज द थर्ड बेडरूम जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ एंड आपको बता देती हूँ इस बेडरूम की जो सी खासियत है वो ये है, इसमें आपको मिलेगी प्राइवेट बालकनी। देखो जी प्राइवेट बालकनी तो है ही, लेकिन इस बेडरूम में आपको मिलेगा जी अटैच वॉशरूम। वॉशरूम आपको एज इट इज मिलने वाला है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 3 BHK फ्लैट है, 3 वॉशरूम के कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको यहाँ पे भी लुकिंग मिरर नहीं मिलेगा। एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स मिलेगी, फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलेगी, गीजर की प्रोविजन, एग्जॉस्ट की प्रोविजन एंड सनलाइट की जैसे दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं है, सो विंडो भी आपको दी जाएगी। सो वॉशरूम आपको जैसे मैंने बताया एज इट इज मिलेगा। हाँ जी सो किवें तो लगा तो हानू टाउनशिप के फ्लैट का टूर, आई होप यू लव इट। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो मैं एक बार बता देती हूँ, ये 3 BHK का फ्लैट है, 3 वॉशरूम के कॉन्सेप्ट के साथ, 17x20 square feet का ये होने वाला है एंड आपको यहाँ पे सब कुछ जो दिखाया गया है अभी तक वीडियो में वैसा ही आपको मिल जाएगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और टूर कर सकते हैं इस टाउनशिप का हमारी टीम के साथ। अगर ऐसी टाउनशिप या ऐसा घर किसी को, ऐसा फ्लैट चाहिए, आपके दोस्त को चाहिए, आपके रिलेटिव्स को चाहिए, तो उसके साथ ये शेयर जरूर करना वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज हलीम सानी, साइनिंग आउट।